नेक्स्ट देखिए बेटा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है एम्स 2009 का। ए और बी के बीच आर इक्विवेलेंट निकालना है। ये रेसिस्टेंस आर, ये आर और ये भी आर, ये रेजिस्टेंस आर, ये भी आर, ये भी आर, और ये रिपीटेटिवली ऐसे कंटिन्यूअसली लगा हुआ है अप टू इंफिनिटी, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्टेड है। इसको लैडर सीरीज भी कहते हैं, और ये रेजिस्टेंस में भी बनता है और कैपेसिटेंस के यूज से भी बनता है। इसका आर इक्विवेलेंट का सवाल पूछा जाता है, एम्स 2009 में भी पूछा और इससे सवाल आते हैं। तो हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखो, आपने पहले इसको सॉल्व किया होगा, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं। मैं आपको बताऊंगा विदाउट एनी कैलकुलेशन, इक्वेशन बनाना नहीं, तो सॉल्व क्या करना, कुछ नहीं करना, सीधा आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट यूज करूंगा। देख भाई कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। सबसे पहले इसका मिनिमम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ढूंढते हैं जिसके रिपीटेटिव कॉम्बिनेशन से ये इंफिनिटी तक गया है। तो देखो आर आर आर, देखो ये तीन आर को अलग ले लो अगर तुम, तो ये देखो आर 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 इसी तरीके से कनेक्टेड होके इस तरीके से इंफिनिटी नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो इसके सॉल्व करने का कंसेप्ट होता है कि मान लो इस तरह का इंफिनाइट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, तो एक हटा भी दोगे और यहां पे तुम ए और बी मान लो, तो आर इक्विवेलेंट इस दो पॉइंट के बीच उतना ही होगा जितना ये दो पॉइंट के बीच है। क्यों? क्योंकि अगर इंफिनिटी टाइम्स ऐसे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है, तो एक हटा दो, ये मत हटाओ, एक ऐसा ही और लगा दो, तो भी आर इक्विवेलेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एन नंबर ऑफ टाइम्स कनेक्टेड है। तो आप क्या करते हो, ए और बी के बीच कुछ रेजिस्टेंस एक्स मान लेते हो, फिर इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हो, इस तीनों को सीरीज में कनेक्ट करते हो, और ए और बी के बीच फिर से रेजिस्टेंस जितना यहां पे माना था उतना ही रह जाता है। ये तरीका है कन्वेंशनल जो किताबों में दिया होता है और आप जो आपने जो पढ़ा है। मैं आपको क्या सिखाऊंगा सुनो, जब इसको मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो इन दोनों को मिला के जो नेट रेजिस्टेंस आएगा आर से कम आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ते हैं तो उनका जो आर इक्विवेलेंट होता है दोनों से कम होता है, तो ये आर से कम आएगा, लेस देन आर। तुम्हें इतना महसूस हुआ कि आर से कम आएगा। अब जब मैं इसको जोड़ूंगा तो आर और आर क्या होगा, 2R और सीरीज में है, ये कुछ है, मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा जोड़ना है, तो ये आर और आर 2R, तो जो रेसिस्टेंस आना चाहिए वो 2R में कुछ जोड़ रहा हूं तो 2R से ज्यादा आना चाहिए, लेकिन जो 2R में जोड़ा है वो आर से कम है, मतलब 3R, तो अगर ये आर होता तो आर 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 3R हो जाता, जो जोड़ रहा हूं वो आर से कम है, मतलब जो रेसिस्टेंस आएगा वो 3R से कम आएगा, ये होगा आर इक्विवेलेंट। क्या इतना सोच पाए तुम? अगर इतना सोच पाए तो तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कैसे? जो आर इक्विवेलेंट आना चाहिए 2R से ज्यादा एंड 3R से कम, ये 4R है, गलत हो गया। देखो मजा है कि नहीं, 4R गलत हो गया। देखो 2 √3 क्या होता है, 1 point something, दो और एक तीन, तीन से ज्यादा हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। और ये √3 - 1 ये क्या होगा, एक से कम, गलत हो गया। आंसर फर्स्ट आंसर यही आएगा, आंसर आ गया। कहां बनाया क्वाड्रेटिक? नहीं बनाया, इक्वेशन नहीं बनाया, सॉल्व नहीं किया, बस मैंने थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट सोचा और ये मेरा आंसर आ चुका है। तुम्हें समझ आया कि नहीं? मजा आ जाएगा एकदम। आगे देखो, ये इनफाइनाइट लैडर सीरीज है। क्या ये इनफाइनाइट लैडर सीरीज है? जब मैं यहां पे ए और बी के बीच रेजिस्टेंस निकालूंगा, मुझे कुछ नहीं करना, पहले बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ढूंढ लो। तो देखो किसके रिपीटेटिव कॉम्बिनेशन से बना है, आर आर, ये देखो दो वाला आर आर ऐसा, ये रिपीटेटिव कॉम्बिनेशन से बना है। आपने सॉल्व किया हुआ है तो आपको समझ आ जाएगा। अब सुनना ढंग से, क्या करूंगा यहां पे कुछ एक्स मानूंगा, ठीक है, एक्स और आर को जब मैं ऐड करूंगा तो ये थोड़ा सा आर से ज्यादा होगा। अरे सीरीज में आर से तो ज्यादा ही होगा ना सम करने के बाद। अब क्या होगा, इन दोनों को जोड़ के यहां पे बनाऊंगा, अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होगा ए और बी के बीच आंसर आएगा। अब जब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन करूंगा तो आर और समथिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आर से भी कम होगा? हाँ, तो आंसर आ गया ना, आर से जो कम होगा वो आंसर है। आर इक्विवेलेंट लेस देन आर आंसर, लेस देन आर आंसर, चार ऑप्शन में से चेक कर लो, जिसमें जस्ट लेस देन आर होगा वही आंसर आ गया, बात खत्म। तुम्हें समझ ही नहीं आया, सर हमने तो इसको डेढ़ पेज में सॉल्व किया था, तो गधे थे तुम, क्यों किया था? ये रहा आंसर। और सिखाऊं? चल इधर देख, कैपेसिटेंस वाले गेम में देखो क्या होता है। कैपेसिटेंस वाले में देखो बेटा, रिपीटेटिव ब्लॉक ये सी 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 सी, तो क्या करोगे, यहां पे कैपेसिटर मान लोगे एक्स, बताओ यहां पे जो कैपेसिटर मानोगे आप एक्स, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन जस्ट ग्रेटर देन सी होगा, क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ग्रेटर देन सी, ये वाला। और इसको सीरीज में जोड़ोगे तो कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा होता है।
मतलब C equivalent आप निकाल रहे हो C और just greater than C के वैल्यू को सीरीज में जोड़ के, मतलब C equivalent less than C आंसर। चार ऑप्शन में जो C से जस्ट थोड़ा सा कम है वो आंसर टिक कर दो। आ रहा है समझ, आ रहा है समझ। और देखो ऑप्शन इसी तरीके से दिए जाते हैं, मैंने अपने से नहीं बनाया सवाल, एम्स 2009 का सवाल है। चलो अब आगे, कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में एक बढ़िया कंसर्न में बच्चे फंस जाते हैं, अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अगर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो तो बीच वाला हटा देते हैं, और अगर अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज हो जाता है, एम्स में भी एक सवाल पूछा हुआ था अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में, और आपने किया होगा। अब अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज से कैसे डील करते हैं, देखो बेटा अपने को ना सब्जेक्ट से ज्यादा ना कॉम्पिटेटिव एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए अपने अंदर। और कॉम्पिटेटिव एप्टीट्यूड क्या होता है, चीजों से खेलना। आओ देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो बेटा ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। मान लो मुझे एक बैटरी लगा दिया ए और बी के और दे दिया, इसमें करंट पूछ रहा है या यहां से करंट पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि पहले आर एक ए और बी के बीच आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे साहब, तो चेक करेंगे बैलेंस है या नहीं। तो देखो 2/4 एंड 4/2, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो गया 2, मतलब ये अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है। कैसा है ये अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। अब ये अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज को कैसे सॉल्व करते हैं, तो सुनना जो मैं कह रहा हूँ, तुम एक काम करो इसको हटा दो। तुम्हें लग रहा होगा सर इसको तो तब हटा सकते हैं ना जब ये बैलेंस होता है, अनबैलेंस है तो भी हटा दो। सुनना मेरी बात, अनबैलेंस है तो भी हटा दो, अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंस मान के इसको हटा दो, 100% और हमेशा तुम्हारा आंसर सही आएगा, कर लेना अगर तुमने सवाल सॉल्व किए होंगे तो। इसको हटा दो भाई साहब, आपने इसको हटा दिया, जब इसको हटा दिया तो ये दोनों क्या होंगे सीरीज में, 4/2 6 एंड 4/2 6, 6 और 6 क्या होगा 3 ओम। पहले इसको देख लो अच्छे से, 2 एंड 4 ये हटा दिया आपने, तो 4/2 6 6 और 6 पैरेलल में क्या हो जाएगा 3। अब आगे सुनो, अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में भी बीच वाला रेजिस्टेंस हटा के बैलेंस बना लो और आर इक्विवेलेंट निकाल लो। अब सुनो, इतना आर इक्विवेलेंट अगर ये आर इक्विवेलेंट तब होता जब ये 5 ओम हटा लिया हमने, 5 ओम नहीं होता, मान लो 5 ओम होता ही नहीं, ये होता ही नहीं, तो ये ऐसे ऐसे करके निकाल लेते, ये आता आंसर। अब अगर मान लो 5 ओम लगा दूं तो सीरीज में ये पैरेलल में, ढंग से सोचना, तुम्हें नहीं लग रहा इस दो पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस लगा उसको पैरेलल में जोड़ दिया, और पैरेलल में कोई भी रेजिस्टेंस ऐड करूंगा ना तो आर इक्विवेलेंट जो होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा इफेक्टिवली, मतलब इसका जो आर इक्विवेलेंट असल में आना चाहिए था जो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज मान के किया था उससे जस्ट कम, जस्ट लेस देन 3 ओम। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो देख 3 ओम होगा, एक ऑप्शन 3 ओम से ज्यादा होगा, दूसरा तीसरा ऑप्शन 3 ओम से बहुत कम होगा, और एक जस्ट लेस देन 3 ओम होगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और एग्जैक्टली आपको ऑप्शन दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूं 20/7 ओम, जस्ट लेस देन 3 है ये, 20/7 ओम इज करेक्ट आंसर, निकाल लो। और तुम बोलोगे सर यहां पे 5 है, अगर 50 ओम होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 500 में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा। सुनना ध्यान से, अगर अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है तो इसको हटा के आर इक्विवेलेंट निकाल लो, और जो एक्चुअल में आर इक्विवेलेंट होना चाहिए बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज के कंसेप्ट से जो आया है उससे जस्ट लेस देन आंसर टिक कर दो। और कैपेसिटर का अगर हो तो जस्ट ग्रेटर देन, क्या बोल रहा हूं मैं, कैपेसिटर का हो तो इसको हटा दो और जस्ट ग्रेटर देन टिक कर लो, इस बात को लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एम्स 2017 का सवाल है, ए एंड बी आर द टू पॉइंट ऑन अ रिंग ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक रिंग बनाया जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसमें कोई सा भी दो पॉइंट ले लिया ए और बी, और जहां पे सी इज अ सेंटर, सी सेंटर पे है, ए और बी और सी जो एंगल बना रहे हैं वो गिवन है थीटा, तो आपसे पूछा है देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, ये बी और ए के बीच में अपने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, कंप्लीट यहां से यहां तक पूरा रेजिस्टेंस कुछ क्या है आर है, तो बताइए ये सेक्शन जो बनेगा रिंग का इसका कुछ रेजिस्टेंस आएगा आर वन और इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा कुछ आर टू, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन ही होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो थोड़ा लेंथी सवाल है, एम्स 2017 का पूछा हुआ सवाल है, आसानी से अपन कैसे कर सकते हैं इसको, देखिए लॉजिक, अगेन लॉजिक,
क्या कुछ ऐसा लॉजिक है जिससे बिना कैलकुलेशन के सही आंसर पता चल जाए? बिल्कुल है। क्या है सुनना, आसानी से कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। देखो ये ए और बी जो सेंटर से एंगल बना रहा है वो थीटा है। थीटा की वैल्यू कितनी है नहीं पता सर, कितना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा तो अगर ये कोई रैंडम एंगल थीटा बना रहा है, अगर ये एंगल 180 डिग्री होता, पाई होता, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनता क्या, और ये हो जाता ए और ये हो जाता बी। मतलब अगर मैं थीटा को पाई रखता हूं, इफ वो थीटा है नहीं पता कितना है, तो एक वैल्यू पाई भी तो हो सकता है उसका। अगर मैं एंगल को पाई रखता हूं, कंप्लीट रिंग का रेजिस्टेंस आर था, तो ये हो जाएगा आधा आर बाई टू और नीचे हो जाएगा आर बाई टू। अरे भाई पूरा आर है तो ये आधा आर बाई टू और ये आधा आर बाई टू, पैरेलल कॉम्बिनेशन करोगे तो आर इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए, आर बाई फोर। थीटा को पाई रखने से जिसमें आर बाई फोर आएगा वो आंसर। तुम महसूस करो एक बार, अगर तुम्हें महसूस नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हें क्या बता दिया है, तो एक काम करो छोड़ दो, तुम एक बार सॉल्व करो अपने आप। तुम जब सॉल्व करोगे ना, तुम्हारा दिमाग खराब होगा, तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने तुम्हें क्या बताया। कैलकुलेशन लेंदी करोगे, गलत होने का भी चांस होगा। तो सीधा मैंने क्या बताया है, थीटा को क्या रखना है, पाई, तो आर इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए, आर बाई फोर। थीटा को पाई रखो, चलो थीटा को पाई रखते हैं यहाँ पे, टू पाई माइनस पाई क्या बनेगा, ये पाई, ठीक है, और एक थीटा यहां भी है, ये भी बनेगा पाई। तो ये हो गया थोड़ा पाई और पाई, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां से 2 पाई माइनस पाई, पाई ही बचा था, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर बाई फोर। फर्स्ट ऑप्शन में आर बाई फोर आ रहा है, ठीक है सर। इसमें रखते हैं थीटा को पाई, तो पाई रखोगे तो ये पाई से पाई कैंसिल होगा, 1 बाई टू आर बाई टू आ रहा है, आर बाई टू आंसर नहीं होगा। ये देखो बेटा थीटा को पाई रखोगे, पाई से पाई कैंसिल होगा, आर बाई टू नहीं होगा आंसर। यहाँ देखो थीटा को पाई रखोगे, 2 पाई माइनस पाई, तो पाई बना पाई, ये पाई स्क्वायर है यहाँ पे, सॉरी। तो देखो 2 पाई माइनस क्या होगा, पाई, तो 2 पाई माइनस पाई क्या बनेगा, सिर्फ पाई, और पाई से पाई कैंसिल, पाई स्क्वायर कैंसिल हो, तो नीचे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो ये बनेगा r बाई फोर पाई, जो कि गलत है। तो सही ऑप्शन क्या बन रहा है आपका, फर्स्ट, एंड फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। r थीटा इंटू 2 पाई, r थीटा 2 पाई माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, दिस इज करेक्ट आंसर। क्या समझ आया आपको? चलो एक काम और करते हैं, थोड़ा सा और विजुअलाइज कराता हूं आपको, दूसरा लॉजिक सोचना सिखाता हूं। मान लो थीटा इज इक्वल टू, ऐसे सोचो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो अगर थीटा को 0 डिग्री लोगे तो ये पॉइंट यही आ जाएगा, दोनों पॉइंट एक ही जगह पे आ जाएगा। तो थीटा को 0 रखने से आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो बेटा ये पॉइंट ए है और यहीं से ये पॉइंट आया और यहीं से निकल गया। तो थीटा को अगर अपन 2 पाई रखोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो थीटा को 0 रखो या 2 पाई रखो, आंसर 0 आना चाहिए। तो थीटा को यहाँ पे 2 पाई रखोगे तो आंसर 0 आएगा, लेकिन थीटा को 0 रखने से आंसर 0 नहीं आ रहा है। यहाँ पे थीटा को 0 रखोगे, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है बेटा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्स 2010 का सवाल है, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C3। देखो एक रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस है यहाँ पे C3, एक कैपेसिटेंस है C1, ये कैपेसिटेंस है C1, ये है C2, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो मुझे ये सर्किट में इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V3, जो C3 के अलोंग होगा, उसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। मेरे पास टाइम का बाउंडेशन बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत कुछ सिखाना चाहता हूँ तुम्हें, लेकिन थोड़ा टाइम कम है, तो मैं तुम्हें रैंडमली बहुत अच्छे अच्छे सवाल चूज करके सिखा रहा हूँ। अब इस सवाल को कैसे कर सकते हैं आसानी से, मेरी बात सुनो। यहां पे है बेटा C1, C2, C3, मुझे इसके क्रॉस पोटेंशियल चाहिए, तीनों का कैपेसिटेंस अलग अलग है, लेकिन तीनों की कैपेसिटेंस का एक्चुअल वैल्यू नहीं पता मुझे। अच्छा अगर कैपेसिटेंस 0 मान लूं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फिर उसे विजुअलाइज करना थोड़ा सा क्या होगा, दिक्कत होगा। तो काम करो, बहुत आसान कंसेप्ट बता रहा हूं, तीनों को बराबर मान लो, लॉजिक समझना है यहां पे, C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर C। अगर तुम तीनों को बराबर मानते हो तो बताओ CC क्या बनेगा, पैरेलल में 2C, और 2C और ये C, तो देखो सर्किट क्या बन जाएगा, अच्छे से देखना बेटा, C ये 2C और ये वोल्टेज V, देखना कितने आसानी से सही आंसर निकाल देता हूं मैं। अब जानते हो क्यू बराबर CV होता है, क्यू बराबर क्या होता है, CV। सीरीज में दोनों पे चार्ज सेम जाएगा तो पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, तो जिसका ज्यादा कैपेसिटेंस उसका पोटेंशियल कम, इसका पोटेंशियल ज्यादा, तो x और 2x क्या होगा, 3x इज इक्वल टू वी, 3x इज इक्वल टू वी, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा v/3, x इज इक्वल टू होगा v/3, और यहां पे C3 के क्रॉस ये जो कैपेसिटेंस था इसके क्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा x की वैल्यू v/3, तो 2x हो जाएगा आपका 2v/3।
2V/3, मतलब C1 बराबर C2 प्लस C3 तीनों को इक्वल रखने पे यहाँ पोटेंशियल 2V/3 आना चाहिए। बस हो गया, आंसर आ गया। अब तुम तीनों को अलग अलग लोगे, फिर C equivalent निकालोगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 के टर्म्स में बहुत लेंदी कैलकुलेशन होगा, तीनों को सेम मान लो और देखो कितना आसान हो गया, 2V/3 आंसर आना चाहिए। रखो बराबर, जैसे इक्वल रखोगे ये जीरो आ रहा है, नहीं होगा आंसर। जैसे इक्वल रखोगे देखो बेटा यहां पे क्या आ जाएगा, 2V/3, ये तो सही बैठ रहा है। आगे भी देख लेते हैं, यहां पे जब इक्वल रखोगे तो देखो C1 प्लस C2 प्लस C3 क्या होगा, 3 आएगा। ये क्या आ जाएगा बेटा, 3 मतलब 3C, और ये हो जाएगा आपका 3C। देखो C1 और C3 को CC रखोगे, 3C 3C, CC कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा आपका 3C से 3C कैंसिल होगा, भी आ रहा है तो गलत हो गया। अच्छा इसमें जब इक्वल रखोगे तो C -2C, तो -C V/3, ये भी गलत आ गया। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। देखो जैसे यहाँ पे रखोगे C C 2C/3C, तो मैं समझ आ रहा है कितना सही चीज़ सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। अगर तुम मानो पहले लिमिटेशंस को देखो भैया, एम्स 2010 का सवाल है, ऐसे ही नहीं है। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट है, लेकिन अभी टाइम का लिमिटेशन है। देखो तुम्हें क्या करना है कि जब भी वेरिएबल वेस सवाल हो, C1 C2 C3 से खेलना हो तुम्हें, तो तीनों को बराबर मान लो, R1 R2 R3 तीनों को बराबर मान लो। यहां पे एंगल कुछ थीटा था, पाई मान लो, पाई मान के विजुलाइज करना आसान हो गया, आंसर करेक्ट आ गया। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दिया, तो मैं एक सेक्शन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल आ जाता है, लेकिन उसको आप ढंग से करके जाइएगा। इंस्ट्रूमेंट, क्या कह रहा हूं मैं, इंस्ट्रूमेंट, एमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियोमीटर वायर, मीटर ब्रिज, इससे हर साल एक सवाल आता ही है। तो अगर आपका ये टॉपिक स्ट्रांग है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो एक बार कहिए, मैं उसको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। नहीं तो यहां तक पढ़ लीजिए, बेसिक कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया है।